से आया हूँ। मेरा नाम गोपाल दत्त है। हम जो है नी कोशहरी जो समिति की जो सिफारिश थी उसको लागू करवाने के लिए सब एकत्रित हुए यहाँ पर। सरकार हमारी नहीं सुन रही है, बहुत प्रयास कर लिया है, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। ये मंत्री, ये नेता, सभी लोग एक दिन बनते हैं और इनको ज़िंदगी भर पेंशन मिलती है, इनको बच्चों को मिलती है। हमने ज़िंदगी भर मेहनत कर रखी है, 20 साल 25 साल हमने मेहनत कर रखी है और हमको सब ठुकरा दे रहे हैं। हमारी कोई भी बात नहीं मान रहे हैं। अगर ये सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारा पूरा ऑल इंडिया लेवल पर हमारे पेंशनरों का जो है पूरा एकजुट होकर के हम उसका विरोध करेंगे और उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कोई सुनने के लिए कोई सुध नहीं ले रहा हम लोगों की। और ये लोग जो है सब अपने कान में तेल डाल के बैठे हैं। यहाँ आप बैठे हैं, बुजुर्ग कहीं कहीं से देश विदेश से आए, पूरे विदेश से भी आए, जो लोग रहते हैं पूरे इंडिया से आए हैं, सब लोग यहाँ रहते हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं मंच पे। विभा ने ये माइक पर भी बैन लगा दिया है कि तुम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हो। हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। हमने ज़िंदगी भर मेहनत किया, देश की सेवा किया हम लोगों ने, हमको 100 रुपये भी नहीं मिले, 300 रुपये 200 रुपये मिल रहे आदमी को। और ये लोग जो है नी सब खा खा के पड़े बने हैं, महसा बने हुए साले खा खा के, और जो है नी चोर हैं बिल्कुल, सब मन बैठे हैं। कहते हैं जावड़ेकर जी ने कहा था कि हमको सत्ता में आने दो और हम तुम्हारी जो है पेंशन करेंगे 5,000 रुपया 7,500 रुपया, उसको महंगाई भत्ते से जोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी जो है की मांग नहीं करी। सत्ता में आ गए चुपचाप कान में बैठ के तेल पर, आज तक यहाँ देखने को नहीं आते, सुनने को भी नहीं आते कि तुम्हारी क्या समस्या है। इतने बुजुर्ग लोग जो आ नहीं सकते, पाँव से नहीं आ सक रहे, अपने उनके लिए आर्थिक स्थिति नहीं आ सक रहे, फिर भी यहाँ आए हैं। यहाँ सुनने के लिए सदन नहीं आया, अपने सब घरों में घुसे, अपने भवन में घुसे हैं। यहाँ कोई सुनने की आवाज़ उठाने की हमारी नहीं है। इसलिए हमारा यही है कि अगर ये इलेक्शन से पहले अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, हमारी पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई, तो ये सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। Thank you.